अच्छा, वो आर्मी हॉस्पिटल में है सर, 7 माइल आगे वहाँ हॉस्पिटल, 7 माइल यानी कि 7 किलोमीटर। कल किलोमीटर को नहीं भागा, वह मैल को नहीं भागा। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ी को प्रणाम, छोटी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से, तो अभी अभी जस्ट आई हूँ मैं ड्यूटी से घर। अब थोड़ा सा चाय पानी पी लेती हूँ, और धूप भी बिल्कुल जाने वाली है अब। तो आज मौसम कुछ इस तरह से है, बिल्कुल खिली खिली धूप है, और आजकल नवरात्रि की वजह से जगह जगह हो रहे हैं कीर्तन भजन। तो साथियों, इतनी देर में आती हूँ तो जाने का फिर हो ही नहीं पाता है। इससे भी आओ ना, चाय की तो इतनी तलब लग जाती है, तो फटाफट से पी लेती हूँ मैं भी चाय। इतना खुश हो जाता है तुम्हें आई तो, ये कॉफी है। टाइम हुआ है 6 बजे में, 3 मिनट हैं। तो अभी ना मैं जा रही हूँ मायके, आज है सैटरडे, तो मैंने कहा आज मम्मी से मिलाती हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों ने ही हेलमेट पहना है, और गाड़ी के पेपर भी हमारे पास हैं। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, वो अंधेरा भी होने लग गया है, और अपनी गाड़ी की लाइट भी जला ली। तो मैं आ गई हूँ मायके, बहुत रात हो गई थी, अब मम्मी से भी मिल लेती हूँ। और ना मम्मी अभी सब्जी वगैरह बना रही है, और एक छोटी सी बर्थडे पार्टी की है मेरे लिए उन लोगों ने। और अभी ने मुझे चाय भी पिला दी है, अब एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग मेरा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear bhai, happy birthday to you, may God bless you, may God तो साथियों, आज का ही सारी बार मैंने अपना ना बर्थडे माइक में सेलिब्रेट किया, क्योंकि ना मेरे भतीजे भी यही हैं, और बॉबी और भानू, ये सब अगले साल को कहीं चले जाएंगे, और मेरी मम्मी ना और ज़्यादा बुढ़िया होती ही जाएगी। तो मम्मी ने भी कहा तो आ जाना, तो मैं बहुत खुश हूँ। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना क्या बेगाना, जो मन से बनाए जा। प्यार का ये कदू भाई ही भाभी रात्री भी अभी आवे भाई आओ जाओ अच्छा। सबसे पहले बिश ना मेरी मम्मी ने किया, मुझे पहला फोन मेरी मम्मी का आया हैप्पी बर्थडे। अपनी माँ को तो अपने बच्चों का बर्थडे ना हमें याद रहता है।
मुझे ये तो पता है ना कि मैं 5 तारीख को हुई थी, मैं सुबह हुई थी या शाम हुई थी ये पता नहीं है। अब अपनी मम्मी से जानती हूँ, मम्मी मेरा तेल पे भी आवे भाई 8 बजे। अच्छा, और हॉस्पिटल में ही घर? हॉस्पिटल में 13 नंबर। 13 नंबर आई ना यार, 13 नंबर में लखनऊ में ही भी 13 नंबर रही। 13 वो हाथों पर बाकी नहीं। अच्छा, बेड नंबर भी तो है 13 नंबर में। अच्छा, मी है 13 नंबर में। 13 नाजी नहीं आई पहले। अच्छा, पूरे ठूला हॉस्पिटल भी है? लखनऊ डेढ़ किलो मान छो है। मम्मी को ना वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं पैदा हुई थी। किलो बनाए तू डाल खाने। लोग ना अभी थोड़ी देर में जाएंगे फिर यहीं से, और दोसाज जी से भी मैंने कहा है कि खाना मत बनाना कॉफ़ी, और दोसाज जी के लिए भी यहीं से डांडी मार पड़ी होगी। तो मान दीजिए मम्मी करने होता होगा ना, जब मतलब माँ बाप मतलब पहले से कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला। मैंने आज शादी के बाद ना पहला बर्थडे है मेरा यहाँ, ऐसी बच्चे ही मनाते थे, हमने कभी मनाया भी नहीं वैसे अपना बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं, पहले से ऐसा वो होता भी नहीं था। लेकिन शादी से पहले भी जब जिस दिन मेरा जन्म बार होता था, मम्मी पूरी बनाती थी, खीर बनाती थी। और मेरी मम्मी ने ना भले ही कह नहीं रही है, थोड़ी बहुत बातें बताई थी उसने, उसने 1 साल तक ना भुना भी नहीं खाया बल जब मैं हुई ना। अच्छा, ना भाटी सबको नहीं भाई, क्या देगी लड़की सब अंडू मीट खाने वाले खाने। वो बड़ा जोर हॉस्पिटल वाला लिफ्ट मुझे भाई जब तो ही फिर पूछने में हूँ डॉक्टर आपका क्या हुआ, मेरे को मेरी लड़की क्यों आपको लड़की चाहिए, मेरे को हाँ लड़की चाहिए, जो कुछ भगवान ने दिया वो कुछ सही। अच्छा, फिर हमारे लड़का नहीं चाहिए मेरे को, नहीं मेरी लड़की हुई किसी का लड़का थोड़ी ले जाएंगे, मैं क्या चाहिए मेरे को दूसरे का लड़का, जब मेरे को लड़की हुई मेरे को लड़की प्यारा है। बहुत पूछना है आपका क्या हुआ, मैं मेरे को मेरी लड़की हुई क्यों आपको पता है, मैं मेरे को हाँ मेरे को पता है, उतनी झूल गई वहाँ सब सह हम खुटा था वो झूल भाई सब सह नवनी धोनी भाई हूँ, फिर बस पाउडर वाउडर थी तो मेरे झूल में चीज नवनी धोनी सब हूँ भाई। तो मैं बचपन में ना बहुत नाजुक से पली, बहुत मम्मी ने तो 1 साल तक तो मुझे ग्रेवाटर से ही नहलाया ना। मम्मी तो ना साथियों बहुत ज़्यादा रुआसा हो गई, क्योंकि होता है ना एक माँ को जो कष्ट माँ को आता है तो वो चीज़ें उसे अभी याद आ गई तो वो रोने लग गई, इसलिए मैंने अब मुझे भी थोड़ा बुरा लग गया है। फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो हमने खाना भी खा लिया, भानु और बॉबी भी चले गए हैं खाना खा के, और दोसा जी के लिए खाना लेके अब थोड़ा देर बैठते हैं यहाँ पर, मम्मी भी आने वाली है, थोड़ा गप्पे सप्पे मारते हैं और फिर उसके बाद ना सो जाते हैं, क्योंकि मैं भी थकी हूँ पूरे हफ्ते की थकान मैं भी संडे को करती हूँ पूरी, आँखों में भी नींद लग रही है मेरी। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाली भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह से, तो मैं उठ गई हूँ, आज संडे है तो आज मैं आई हूँ मायके,
तो देर में ही उठी, अभी मम्मी चाय लेके आई। और उसके बाद ना मम्मी ने कहा आजकल है नवरात्रि तो थोड़ा सा मेहंदी लगा ले, और मैं भी बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। तो थोड़ा खिचड़ी ऐसी मैंने पकाई है, यहाँ की तो निकल गई, अब हल्की हल्की सूख भी गई है। और बाहर तो इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, और मैं उठ रही हूँ इतनी देर में, जरा बाहर का भी व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत तेज धूप है, और वहीं पे किसी ने पराल वगैरह डाला है, और एक धान का टुकड़ा भी लगाया है, और आकाश में घने काले बादल। कोको भी ना आजकल सुस्त हो गया है, इसके यहाँ पे ना मधुमक्खियों ने काट दिया, कई दिनों तक ये खाना नहीं खा पाया, बहुत ही सूझ गया। बड़ी मुश्किल से फिर हॉस्पिटल भी ले गए इसको, अब बड़ी मुश्किल से हमारा कोको ठीक हुआ है, और मम्मी लगी रहती है इसके सेवा में। भैया आया था मम्मी से मिलने के लिए, चाची से मिलने आया, बहुत टाइम बाद, एक महीना हो गया मेरे को घर आया हुआ, टाइम ही नहीं लगा, जिंदा रहे हम, बड़े वाले 50-60 बोरे हमारे धान होते हैं तो धान मारने में रह गए हम घर में, हमेशा गुस्सा कर रही थी, मैं बोला आज मिल के आता हूँ, मेरे से तो मेरा भाई पहले ही मिल गया था, ये रहता हूँ कैसे ही चलो खुशी हुई। फिर मिलते हैं उनका, हाँ ओके काकी, फिर मिलना, हाँ काकी। शाम के हो गए हैं 5, मैं भी जाने लग गई अपने मायके से ससुराल को, बाय सुमा, बाय बुआ। और मुझे अभय आ रहा है छोड़ने के लिए, चल हाँ बाय बाय, चल हाँ अब ध्यान दिए हैं, चल डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। और कॉफी ने मुझे खूब सारा प्यार किया, और दो साज पूरे हफ्ते के कपड़ों में लगाने लग गए अपने प्रेस, ठीक चाहो। और अभी पहुंच गई हूँ अपने घर, और आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, बाय बाय, कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके।